आज हम लोग जो बात करेंगे दैट इज योर अबेटमेंट। किसकी बात करेंगे? पहले हम लोग आज अबेटमेंट की बात कर लेते हैं। सर, ये अबेटमेंट क्या होता है? एक होता है कंप्लीटली टैक्स चार्ज होना, एक होता है पूरी तरह से छूट दे देना, निगेटिव लिस्ट 100% एग्जेम्पशन, निगेटिव लिस्ट या फिर 100% एग्जेम्पशन, दो रास्ते हैं। लेकिन अगर हमें किसी सामान, किसी सर्विस पर पार्टली एग्जेम्पशन देना हो, मीन्स पार्ट ऑफ द सर्विस इज टू बी चार्ज टू टैक्स, देन इन दैट केस अबेटमेंट इज टू बी गिवन। यानी आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा माइनस करके बताया जाएगा अब ये वैल्यू ऑफ सर्विसेज है। आपने जो सर्विस दी 1 लाख रुपए की सर्विस दी, 30% अबेटमेंट है, तो 70% आपका टैक्सेबल वैल्यू होगा सर्विस का। मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से बोलता हूँ, 1 लाख रुपए की आपने सर्विस दी, 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं 30% अबेटमेंट है, कितनी अबेटमेंट है? 30%। तो 1 लाख में से 30% अबेटमेंट आप माइनस कर देंगे, नाउ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस इज 70,000। दिस इज योर अबेटमेंट। टूडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस अबेटमेंट, मीन्स पार्ट ऑफ द सर्विस इज एग्जेम्प्ट, पार्ट ऑफ द सर्विस इज एग्जेम्प्ट। हम उस पार्ट की बात करेंगे, किन किन चीजों पर कितना कितना अबेटमेंट है इसके बारे में डिस्कशन करना है। और मेनली जानते हैं, रेलवे की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? रेलवे की बात करेंगे। अब चाहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो, मोटर कैब की बात करेंगे या फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की बात करेंगे, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो, एयर फ्लाइट के थ्रू आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स की बात करेंगे। तो मेनली देखो तो अभी तक जितनी भी बात बोली मैंने उसमें केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर का मीडियम अलग अलग थे। एक बात करेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ होटल एंड फलाना एंड सॉरी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्रिमाइसेस, जो आपके ठेकेदार बनवाते हैं, बिल्डर्स बनवाते हैं, उनकी बात करेंगे, उनके लिए अबेटमेंट है। एक हम बात करेंगे होटल वगैरह में आप खाना खाने जाते हैं, दो पर्पज होते हैं। या तो आप होटल में रेस्टोरेंट का यूज करेंगे, खाना खा करके वापस आ जाएंगे, या तो आप शमियाना में जाते हैं खाना खाते हैं, या फिर आप होटल में रहने के लिए जाते हैं। दो सर्विसेज हैं, होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, हाँ या ना, बोलो भाई। तो या तो आप रहने के लिए जाते हो या फिर खाना खा कर निकल आते। इनके बारे में हमें आज डिस्कशन करना है, अबेटमेंट कितनी है। सबसे पहले जो बात करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल की बात करेंगे, जिसमें आपको अबेटमेंट मिलेगी 70%। कितने की अबेटमेंट मिलेगी? यानी अगर 100 रुपए का सर्विस है तो 70% अबेटमेंट, यानी 30% पर ही टैक्स चार्ज होगा। हम लोगों ने, जब सुन लो, पॉजिटिव लिस्ट देखी थी, निगेटिव लिस्ट देखी थी। निगेटिव लिस्ट में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल्स को क्या किया था? एग्जाम नहीं किया था, टैक्सेबल किया था। क्या बात कर रहे हो? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में ढंग से सुनना, वर्ड पहला लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, और मैंने कहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रोड एग्जेम्प्ट होते हैं अदर देन जीटीए और कोरियर कंपनी, याद आया होगा, हाँ या ना। और रेलवे का पूरा टैक्सेबल था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, रेलवे का पूरा टैक्सेबल था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हाँ ना। क्या कहाँ माफ किया था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स माफ किया था केवल अगर रेल अपना रेल इक्विपमेंट ले जाती है तो। एग्जेम्पशंस में देखा था हम लोगों ने, रेलवे अगर विक्टिम्स को कोई सामान पहुंचाती है तो वहां पर माफ किया गया था, हाँ है ना। और एग्रीकल्चर वगैरह प्रोड्यूस के बारे में माफ किया गया था, याद आया होगा, लेकिन बाकी नॉर्मल केस में माफ नहीं किया गया था। तो अब माफ किया गया है, कितना परसेंट? 70% माफ किया गया। दिस इज योर अबेटमेंट। यानी जीवन जिन चीजों पर माफी नहीं की गई थी तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल 70% का अबेटमेंट है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल इन कंटेनर्स, किसमें? इन कंटेनर्स, यानी अगर कंटेनर्स के थ्रू सामान है
तो आपका 60% अबेटमेंट मिलेगा, यानी सामान आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल तो है लेकिन कंटेनर्स में है, तो 60% का अबेटमेंट मिलेगा। अदर देन कंटेनर्स है तो 70% का अबेटमेंट मिलेगा, यानी कंटेनर्स के थ्रू है तो सर्विस की वैल्यू कम हो जाएगी, 60% हो जाए, मतलब छूट की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाँ या ना। और अगर अदर देन कंटेनर है तो 70%, यानी यहाँ सर्विस की वैल्यू ज़्यादा है 40% और यहाँ सर्विस की वैल्यू कम है 30%। कंटेनर मतलब एक्स्ट्रा सर्विस, कंटेनर मतलब एक्स्ट्रा सर्विस का फैसिलिटी देना। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स आ गए ना बाय रेल, 70% का अबेटमेंट है, कितना? ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इन वेसल समुद्र के थ्रू 70% का अबेटमेंट है, तो सर सब में तो 70 है, हाँ बोलो। GTA ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय GTA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 70% का अबेटमेंट है, कितना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय GTA यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स, ये नया आया है, यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स 60%, यूज्ड हाउस होल्ड गुड्स 60%। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल 70, ट्रांसपोर्टेशन बाय ऑफ पैसेंजर बाय रेल 70%, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इन वेसल थ्रू वेसल 70%, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय GTA 70, सब में 70%। रेल में कंटेनर्स के थ्रू था 60%, GTA में यूज्ड हाउसहोल्ड गुड्स है तो 60%। तो अभी तक तो हम लोगों ने जो देखा वो 70 और 60 था, अभी हमारा छूटा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय अ स्टेज कैरिज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय स्टेज कैरिज। याद आया, 6 लोगों के बैठने की जगह होती है अदर देन ड्राइवर, हाँ या ना। 60% है, ये नया है, पहले ये चीज़ एग्जेम थी लेकिन अब टैक्सेबल में आ गई है, 40% वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगी, पहले इसकी वैल्यू नील होती थी, एग्जेम था, अब ये एग्जेम्पशन नहीं है, पार्ट ऑफ द सर्विस इज टैक्सेबल नाउ, इज इट क्लियर। थोड़ी एग्जेम्पशंस हटा दी गई हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अ फोरमैन ऑफ चिटफंड के बारे में मैंने तुम लोग को शुरू के लेक्चर्स में ही सर्विसेज की डेफिनेशन बताते समय उस समय मैंने क्लियर कर दिया था चिटफंड क्या होती है, जो कमेटी चलती है, तुम लोगों ने नाम सुना होगा। 10 लाख चाहिए तुमको? नहीं, तुमको 10 लाख चाहिए? लाओ सब लोग 1-1 लाख रुपए की कमेटी बना लेते हैं, जिसको जितनी जरूरत होगी अपने अपने समय से निकालता रहेगा, वो मैंने सिस्टम बताया था। तो सर्विसेज बाय अ फोरमैन ऑफ चिटफंड, सर्विसेज बाय फोरमैन ऑफ चिटफंड 30% का आप इसको रिबेट दे देंगे, हमें अबेटमेंट दे देंगे, 30% का अबेटमेंट दे देंगे। सर्विस बाय अ टूर ऑपरेटर होते हैं ना, दो तरह से वो सुविधाएं देते हैं आपको, टूर ऑपरेटर की सर्विसेज हम थोड़ा डिटेल में आपको बताते। पैकेज टूर सुन लेंगे,
75%। कितना? पैकेज टूर 75%। चेंज हो गया है, 70% लिख देना, 70%। ठीक, पैकेज टूर 70%। क्लियर? अदर देन पैकेज टूर, अरे अरे, अदर देन पैकेज टूर का मतलब क्या होता है? पैकेज टूर का मतलब आपका जाना, वहां रुकना, खाना पीना, घूमना फिरना, वापस आना, ये होता है पैकेज टूर। हाँ या ना? ठीक है ना? यानी केवल और केवल आपके लिए अकोमोडेशन की फैसिलिटी रखना, अदर देन पैकेज का मतलब केवल अकोमोडेशन की फैसिलिटी रखना, बाकी कोई फैसिलिटी ना देना, ना आने की, ना जाने की, ना रहने की। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है, टोटल आपका कोई खर्चा नहीं होना है, आप वहाँ जमा कर दीजिए, 4 दिन 5 रातें, 5 दिन 6 रातें आपको मिल जाएंगी। बात समझ में आई? आप वापस आ गए। इन टोटालिटी यू विल हैव टू पे ओवर हियर अंडर पैकेज टूर, उसमें 70% आपको अबेटमेंट मिल जाएगी। अदर देन पैकेज टूर यानी केवल रहने की सुविधा, यानी अरेंजिंग करना किस चीज़ को, अकोमोडेशन को, वहाँ पर 10% का ही अबेटमेंट, सॉरी 90% का ही अबेटमेंट मिलेगा, 10% पर टैक्स लग जाएगा। इज इट क्लियर? नोट कर लें। Constructions of building, complexes for sale, होता है ना? Property dealer यही तो करते हैं। 70% की abatement मिल जाएगी। सोचो, आपको बना बनाया घर मिल रहा है, सामने वाले ने आपसे booking का amount लिया, एक घर बनाया आपको दिया, उसने सामान भी बेचा और सर्विसेज भी दी ना 70% माइनस हो जाएगा, 30% सर्विस की वैल्यू आ जाएगी, 70% माइनस हो जाएगा, 30% सर्विसेज की वैल्यू आ जाएगी। इज इट क्लियर? बस आपको जो देखना था अबेटमेंट में, इतना ही देखना था। मैं फिर से बोलता हूँ, एक बार देखो तो मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा है? 70, सुन लो, 70 आपका रेल के थ्रू सामान को भेजना, सामान हो या बंदे हो, 70% का अबेटमेंट है। वेसल के थ्रू सामान जाए तो 70% का अबेटमेंट है। GTA के थ्रू सामान जाए तो 70% का है, हाँ या ना? स्टेज कैरिज परमिट के थ्रू अगर आदमी जाए तो 60% आपका कंटेनर के थ्रू भी है, और 60% GTA अगर सामान जाता है हाउस होल्ड गुड्स तो भी 60% है, यानी नॉर्मली हर केस में 70% है। बिल्डिंग का केस है तो 70%, चिट फंड में 30% है, पैकेज टूर और 90%। अकोमोडेशन की केवल फैसिलिटी देता है आपको तो 90% का अबेटमेंट मिलेगा, अगर आपको पैकेज टूर की फैसिलिटी देता है तो 70% का अबेटमेंट मिलेगा। इज इट क्लियर? नोट हो गया, अबेटमेंट टॉपिक इज ओवर। क्या कोई दिक्कत है? बोलो भाई, कोई दिक्कत है इसमें? याद रखोगे? रेल के थ्रू, वेसल के थ्रू, GTA के थ्रू, या फिर स्टेज कैरिज, नहीं स्टेज कैरिज नहीं, स्टेज कैरिज में 60% है, तो ये आपका 70% का छूट मिलेगा। पैकेज टूर है तो 70% का मिलेगा अबेटमेंट जो बुक करता है, अदरवाइज अगर आपका केवल अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर रहा है तो 90% का अबेटमेंट है। इसके अलावा चिट फंड का देखा, 30% का अबेटमेंट है, 60% आपका हाउस होल्ड यूज गुड्स को GTA के थ्रू ट्रांसफर करना 60% का है, कंटेनर के थ्रू रेलवे का यूज करना 60% का है, एक और 60% है स्टेज कैरिज, दैट्स इट। इज इट क्लियर? याद रहेगा। आगे चलें।
जो हम लोगों को एक और चीज़ देखनी है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को याद हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस पढ़ाया था ना, निकालना, जहाँ मैंने बनवाया था देना, कोई दिक्कत नहीं, रफ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस पढ़ाया था, किया तुमने है, दिखाई हमको दे रहा है। अच्छा, ये तो आपने न्यूमेरिकल किया है, थ्योरी पीछे करें। मनी चेंजर का बताया था, वर्क कॉन्ट्रैक्ट का बताया था, सिंप्लीफाइड स्कीम, हमें जो देखना है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट वगैरह था। जरा देखो, कैटरिंग सर्विसेज हमने वैल्यूएशन में ही आप लोगों को बता दिया था, रेस्टोरेंट या कैटरिंग सर्विसेज की फैसिलिटी हमने कहाँ बता दी थी, वैल्यूएशन में। मनी चेंजिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज, मनी चेंजिंग, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज हमने आपको कहाँ बता दिया था, वैल्यूएशन। जब हम बात करते हैं चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज की, किसकी, राइटिंग साफ है आपने, सबका वही हाल है, तुम लोग राइटिंग सुधारते क्यों नहीं हो। वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस की बात करें तो इसमें हम लोगों ने मनी चेंजिंग की बात की थी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, और एक तीसरा रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग की बात की थी। सबका पर्पस अलग अलग समझना। आज जो हम लोग अब पढ़ने जाएंगे वो हम लोग पढ़ लेंगे अल्टरनेट रेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, अल्टरनेट रेट ऑफ सर्विस टैक्स। वर्ड ढंग से सुनो, तीनों का अंतर क्या है, मतलब क्या है। जब हम वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग के हाथ में जो रिजल्टेंट फिगर आएगी, दैट इज द अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विस। नाउ वी आर नीडेड टू अप्लाई द रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाइड बाई 14.5 और 15%, वॉट एवर द केसेस। असेसमेंट ईयर 17-18 के लिए दैट इज 15%, तो 15% से मल्टीप्लाई कर देते थे जो वैल्यूएशन आता है, हाँ या ना। तो जो आता है वो वैल्यू ऑफ सर्विस है, जो आता है हाथ में वो वैल्यू ऑफ सर्विस है। चलो, जो हाथ में आया वो वैल्यू ऑफ सर्विस है, उसमें से इतना अबेटमेंट दे दो, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां पर वैल्यूएशन निकला, मान लो नॉर्मल केस में अगर हम लोग वैल्यूएशन निकालें तो कितना आया, 1,00,000, और ये स्पेशल प्रोसीजर दिया था वैल्यूएशन का, याद करो मनी चेंजिंग के केस में बताया था आरबीआई का रेफरेंस रेट और परचेज और सेल्स रेट दोनों का माइनस करके कैलकुलेट कर लो। अगर इंडियन रेट नहीं है, आरबीआई का रेफरेंस रेट नहीं है, तो सीधे वैल्यूएशन कन्वर्ट करके 1% ले लो, वो वैल्यू हो जाएगी। अब उस पर 14% का मल्टीप्लाई करना था, सॉरी 15% का, हाँ या ना, वो वैल्यू ऑफ सर्विस थी, वैल्यू ऑफ सर्विस, वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्स नहीं था, वैल्यू ऑफ सर्विस। इसी तरह जब इंडियन कोई भी कंटेस्ट में ना हो, आरबीआई का रेफरेंस रेट भी ना हो और इंडियन करेंसी भी ना हो, इंडियन करेंसी है ही नहीं, दोनों करेंसी जो आ रही है जा रही है उसमें इंडियन करेंसी है ही नहीं,
तो दोनों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दोनों का 1% ले लो, जो दोनों में से कम होगा उसको हम वैल्यू ऑफ सर्विस मान लेंगे, यही बताया था। ये वैल्यूएशन था। ये जो हम लोगों ने बात की अबेटमेंट, जो नॉर्मल वैल्यूएशन आता है सर्विस का जो कैलकुलेट करने के बाद आता है, वो छोड़ दो, वो भूल जाओ, वो स्पेशल केसेस थे। रेस्टोरेंट में बताया था 60% एंड 40%, यही तो बताया था, 40% इस केस में और 60% इस केस में, हाँ या ना, कि जो वैल्यू होती है उसका 40% ले लेते हैं, जो वैल्यू आती है उसका 60% ले लेते हैं, क्योंकि बाकी तो हम खाने का कॉस्ट मान लेते हैं। चलो इसकी बात करते हैं। अब आते हैं इस केस में, नॉर्मली किसी सर्विस को मैंने दिया 1,00,000 रुपए, आया अबेटमेंट मुझे मिल रही है इस रेट से, तो माइनस कर दो सीधे सीधे, अब जो वैल्यू निकली उस पर टैक्स रेट का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये और ये कुछ एक सा था जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अल्टरनेट रेट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स। वर्ड क्या है? सर्विस टैक्स, सर्विस नहीं, वैल्यू ऑफ सर्विस नहीं, सर्विस टैक्स रेट। यानी अब जो पढ़ेंगे वो सर्विस टैक्स का रेट होगा, वो 15% नहीं होगा बल्कि अब ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? जरा देखते हैं क्या हो जाएगा। चलिए नोट हो गया हो तो हम आगे चलें। अल्टरनेट रेट ऑफ सर्विस टैक्स, ये सर्विस टैक्स के रेट्स हैं। हम एयर ट्रेवल एजेंट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? या तो ये डोमेस्टिक बुकिंग करेगा या इंटरनेशनल बुकिंग करेगा, बोलो ना। अब जो भी बेसिक फेयर बनता है उसका 0.7% डोमेस्टिक बुकिंग में, रेट ऑफ टैक्स क्या है? 0.7% ऑफ बेसिक फेयर। मैंने तुम लोग को यह बताया था, सुन लो, एयर ट्रेवल एजेंट और रेल एजेंट के बारे में जरा देखो, तो वैल्यूएशन ऑफ सर्विस टैक्स का सबसे लास्ट पॉइंट मैंने जो तुम लोग को बताया था, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। वैल्यूएशन ऑफ सर्विस टैक्स पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को सबसे लास्ट टॉपिक जो पढ़ाया था वो था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और जरा ढंग से देखो तो मैंने उसमें शामिल किया था जो ये लोग कमीशन चार्ज करते हैं। मान लो एयर ट्रेवल एजेंट के पास गया, तुमने कहा कि मेरी हवाई जहाज की टिकट बुक कर दो। उसने कहा ठीक है, 10,000 टिकट का लगेगा, 2,000 मेरा लगेगा। टोटल कितना मांगा उसने? तो 2,000 क्या मांगा? अपनी सर्विस का, वो उसकी सर्विस थी। और 10,000 हम लोगों ने एक्सक्लूजन में लिखा था, 10,000 हम लोगों ने एक्सक्लूजन में जो बेसिक फेयर होता है उसको हटा दो। यानी किसने कितने पर टैक्स चार्ज किया? 2,000 वैल्यूएशन ऑफ सर्विस थी, 2,000 वैल्यूएशन ऑफ सर्विस थी। लेकिन उनके लिए एक अल्टरनेट रेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स दिया है, 2,000 पर 14% ना लगाकर, 2,000 पर 14% ना लगाकर, सॉरी 15%, बार बार दिमाग में 15% ना लगाकर, 2,000 पे 15% रेट ऑफ टैक्स ना लगाकर 10,000 का 0.7% लगा लो सीधे सीधे टैक्स रेट। बेसिक फेयर का 0.7% अगर डोमेस्टिक बुकिंग है तो, अदरवाइज 1.4% ऑफ बेसिक फेयर इंटरनेशनल बुकिंग है तो, 0.7% एंड 1.4% ऑफ बेसिक फेयर। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इसके लिए एक अल्टरनेट रेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स है। अच्छा, बेसिक फेयर का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं।
इंश्योरेंस प्रीमियम, वर्ड ढंग से सुनना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। ग्रॉस प्रीमियम चार्ज्ड, अब तुम लोग को मालूम है आज की डेट में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट हमारे घर पे आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं या हमको कहते हैं कि आप पॉलिसी ले लीजिए, दे इवन डोंट टॉक अबाउट द प्योर लाइफ इंश्योरेंस, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द यूलिप पॉलिसीज, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मीन्स दे विल चार्ज रुपीज 20,000 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर दे विल चार्ज 20,000, पर एनम 80,000, आउट ऑफ 80,000 दे विल इन्वेस्ट 50,000 to 60,000 ऑन बिहाफ ऑफ एस, वो हम लोग को रिटर्न देते हैं। अरे आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे इधर उधर, वो हमको टेंशन दे दीजिए ना, वी आर लाइफ इंश्योरेंस। अरे नहीं भैया, तुम लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का भी काम कर रहे हो आज, वो हमसे केवल लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का पैसा नहीं लेते, वो हम लोगों से इन्वेस्टमेंट का भी पैसा लेते हैं। हम लोगों से कहते हैं हमको इतना रिटर्न मिल जाएगा, अच्छा, हम लोग सोचना भूल जाते हैं, अरे हम अपने जीने मरने के लिए पैसे दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट का लालच देते हैं साथ में। सोचो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अपना गए थे लाइफ इंश्योरेंस करवाने, उसने हमें इन्वेस्टमेंट बेच डाला और हम लोग खुशी खुशी ले आते हैं। हम लोग के दिमाग में वही जाता है कि यही पॉलिसीज ही होती हैं, पॉलिसी का मतलब ही आज के डेट में ये हो गया है नॉर्मल बंदे के दिमाग में कि पॉलिसी यही होती है 20,000 to 40,000 ना। अगर मुझे अपने 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करवाना हो तो हार्डली इट विल चार्ज रुपीज 4,000 to 5,000 पर एनम, पर एनम, जबकि आप वहीं पर 80,000 दे करके आ रहे हो सालाना, 5,000 की जगह 80,000 दे करके आ रहे हो, तो वो लाइफ इंश्योरेंस तो नहीं होगा। लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट स्कीम भी है जिसके अगेंस्ट वो आपको रिटर्न देते हैं, आपको लगता है ये रिटर्न अच्छा है, वो रिटर्न अच्छा है, भैया वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। इज इट क्लियर? तो बताओ हमारे ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए किस पर लगना चाहिए? इंश्योरेंस प्रीमियम पर। लेकिन इंश्योरेंस प्रीमियम का उसने प्रीमियम चार्ज किया, लेकिन उसमें क्या शामिल है? इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें, एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, बोलो ना, उनको क्या कर दें? माइनस कर दें। ये तो तब माइनस होगा ना जब सामने वाले ने इंटीमेट किया हो कि इसमें से इतना हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर हम आपसे 1,00,000 रुपए ले रहे हैं सालाना, तो उसमें से 60% आपका इन्वेस्टमेंट होगा, 70% इन्वेस्टमेंट होगा, वो माइनस करके बाकी जो बचा उस पर सर्विस टैक्स लगाओ ना, क्योंकि हम लोगों ने इंक्लूजन में देखा था। याद करो वापस वैल्यूएशन ऑफ सर्विस टैक्स के इंक्लूजन, लास्ट पार्ट में मैंने आपको इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बताया था, उसमें पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट यही बताया था, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज ऑन लाइफ इंश्योरेंस, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज ऑन लाइफ इंश्योरेंस, वर्ड मेरा साफ साफ कि सोचो ग्रॉस प्रीमियम पर लाइफ इंश्योरेंस होता है, बाकी सब में कमीशन पर होता है, कमीशन और ब्रोकरेज पर होता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में ग्रॉस प्रीमियम चार्ज पर होता है। अगर नहीं याद हो तो पीछे जाकर के देख सकते हो, अंडरलाइन भी किया होगा तुम लोगों ने। इज इट क्लियर? पक्का? उसके केस में अरे वो तो तब लगेगा ना जब हमें एलोकेशन मालूम होगा इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग का। अगर ये इंटीमेट ही ना किया जाए कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना सेविंग, तो उस केस में एक अल्टरनेट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर टू। देखा जाए, ढंग से सुनना। अच्छा एक चीज और सुन लो, जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है ना, मान लो तुम मेरे इंश्योरेंस एजेंट हो, तुम मेरे पास है, तुमने कहा सर जी 1,00,000 रुपए दे दीजिए, 1,00,000 रुपए तुम ले गए। अब सोचो 1,00,000 रुपए तुम ले जा रहे हो, पहले साल का जो तुम्हें प्रीमियम मिलता है, जो इंश्योरेंस एजेंट को प्रीमियम मिलता है ना, वो हैवी अमाउंट मिलता है। सोचो 40% मिल जाता है प्रीमियम, प्रीमियम का 40% वो अपना इंश्योरेंस कमीशन ले लेता है। तुम लोग को शायद मालूम नहीं, 30-40-50% इन लोग को कमीशन मिल जाता है। सेकंड ईयर से कमीशन भले कम हो जाए, लेकिन फर्स्ट ईयर का कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। समझे मेरी बात? तो कमीशन ज़्यादा मिल रहा है तो इसका मतलब सर्विस की वैल्यू भी ज़्यादा है कि नहीं? तो कहा गया फर्स्ट ईयर If allocation is not done, allocation is not done or not intimated, तो उस केस में first year के लिए 3.5% और next years के लिए इसका half कर लो 1.75%, तो 3.5% और 1.75% किसका? बट ऑब्वियस है किस वैल्यू का? ग्रॉस प्रीमियम का, क्योंकि यहां तो इंटीमेट है ही नहीं। ग्रॉस प्रीमियम वो 1,00,000 रुपए ऑफ ग्रॉस प्रीमियम, नोट कर लो इसको। तो हम थर्ड पॉइंट बताएं। अभी तक हम लोगों ने दो चीजें देखी, एयर ट्रेवल एजेंट के बारे में देखा,
और इंश्योरेंस के बारे में देखा। हम लोग अब वापस आएंगे, मनी चेंजिंग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? तीनों चीजों में सब फर्क समझ में आया? अबेटमेंट क्या होता है, वैल्यूएशन में क्या देखा, अबेटमेंट में क्या देखा, दोनों एक ही चीज से बिलोंग करता है। लेकिन जो अभी हम लोग देख रहे हैं अल्टरनेट रेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सर्विस टैक्स का जो वैल्यू फाइंड आउट होगी ना, दिस इज द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, जो यहां पर रिजल्ट में हाथ में आया अमाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स। अगेन इस पर 15% मल्टीप्लाई मत कर देना। इज इट क्लियर ना? हटा सकते हैं इसको आप? पक्का? मनी चेंजिंग के बारे में हम लोगों ने वैल्यूएशन में बात की थी। पहला क्या बोला था जरा ढंग से देखना, देख लो इधर देखो। हम लोगों ने वैल्यूएशन में बात की और आज हम लोग किस में बात करने जा रहे हैं? ये वैल्यूएशन चैप्टर था, याद आया? और ये हम लोग पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो दो तरीकों से कैलकुलेट होगा। जब भी मनी चेंजिंग, वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, लेकिन उस पर हम लोगों ने इतना ही करके छोड़ दिया था क्योंकि उस समय तक हम लोग को इतना ही नॉलेज था। अगर हमको इसका भी नॉलेज होता तो दोनों ऑप्शन दिखाकर हम नेट बताते कहाँ जाना बेटर होगा। क्यों? वैल्यूएशन में क्या सीखा था? अगर इंडियन करेंसी है तो आरबीआई का रेफरेंस रेट माइनस परचेज और सेल रेट मल्टीप्लाइड बाय करेंसीज, नंबर ऑफ करेंसीज जितनी हो, ये आ जाता था वैल्यू। अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट मौजूद ना हो तो यही परचेज और सेल्स का 1% आ जाता था, बोलो ना। और अगर कोई भी इंडियन करेंसी ना हो तो दोनों करेंसीज को किस में कन्वर्ट करते थे? इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते थे, उनका 1% ले लेते थे, जो दोनों में से कम आता था उसको हम लोग वैल्यू मान लेते थे। वैल्यू मान लेते थे, तब इसमें मल्टीप्लाई करो 15% का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्सेस के लिए अलग ऑप्शन दिया गया है, वो याद आया पुराना? अब हम इस ऑप्शन की बात करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स की। ढंग से सुनना, अप टू रुपीज 1 लाख। किसकी बात कर रहे हैं? अप टू रुपीज 1 लाख। अगर 1 लाख तक का मनी चेंजिंग किया है, कितने रुपए तक का? तो 0.14% ऑफ वैल्यू। अगर 70,000 है तो उसका 0.14%, 50,000 है तो 0.14%, 10,000 है तो 0.4%, और 35 रुपए या 35 रुपए जो दोनों में से अधिक हो, जो दोनों में से अधिक हो। लेकिन क्या 1 लाख तक ही क्या वो सर्विसेज देगा? ना, हो सकता है उससे साल भर में 50 लाख की सर्विसेज दी हो। हो सकता है उसने साल भर में कितनी सर्विसेज दी हूँ, तो 1 लाख तक तो इधर चला गया ऐसे। बाकी 9 लाख जो बचा, 1 लाख एक से नेक्स्ट 9 लाख, नेक्स्ट रुपीज 9 लाख, नेक्स्ट रुपीज 9 लाख, यानी ये तो आएगा ही आएगा, 140 रुपए तो आ ही जाएगा। 140 और 35 में क्या अधिक होगा? अगर कोई 2.5 लाख की सर्विसेज दे दे तो 1 लाख इधर चला गया और 1.5 लाख इधर आ गया। 1 लाख में से इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा? ऊपर वाला। हाँ है ना, तो 140 तो आएगा ही आएगा। प्लस बाकी जो 9 लाख के लिए है वो है 0.07%, कितना ऑफ 9 लाख। चलो जितना भी हो, 1.5 लाख होगा तो 1.5 लाख का 0.07%, 4 लाख बचा तो 4 लाख का 0.07%, 8 लाख बचा तो 8 लाख का 0.07%, 9 लाख आ गया तो 9 लाख का 0.07%। और अगर किसी ने 12 लाख की सर्विसेज दी हैं तो इसका मतलब वो दोनों में तो कवर हुआ ही होगा, तो इसका भी मिलेगा 140 और इसका भी मिलेगा 630, 770 रुपए आ जाएगा। यानी अगर किसी ने 12 लाख सर्विसेज दी होंगी, 12 लाख रुपए का एक्सचेंज किया होगा मनी, तो 10 लाख ये हो गया रेस्ट के लिए, रेस्ट रुपीज के लिए 770 आएगा, आएगा नहीं आएगा? 140 प्लस 630, 770 आएगा नहीं आएगा? 0.014% या फिर 7,000, जो दोनों में से कम हो।
जो दोनों में से कम हो, नोट कर लो। ये था आपका मनी चेंजिंग के रूप में। साल में अगर एक बार आपने एक फैसिलिटी ये उठा ली तो साल भर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, कोई भी मेथड, जितने भी मैं बता रहा हूँ अल्टरनेट पेमेंट। एक बार अगर आप किसी पॉलिसी में घुस गए, मतलब स्कीम में चले गए अल्टरनेट पेमेंट वाले में, तो आपको उसी को साल भर यूज़ करना पड़ेगा, अगले साल तक आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। उस फाइनेंशियल ईयर में आपको सेम मेथड, उस सेम पॉलिसी को यूज़ करना पड़ेगा। जरा देखो ना, वैल्यूएशन में हम लोगों ने क्या देखा था? वैल्यूएशन में पहला देखा था हम लोगों ने मनी चेंजिंग, दूसरा देखा था वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरा देखा था रेस्टोरेंट और कैटरिंग सर्विसेज। आज जो हम लोग अल्टरनेट रेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स में देख रहे हैं, पहला हम लोगों ने देखा आते ही, आज देखा किसके बारे में बोल रहे हैं? अरे बोलो ना साफ साफ, एयर ट्रेवल एजेंट के बारे में देखा। दूसरा हम लोगों ने मनी चेंजिंग के बारे में देखा। तीसरा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखा। और अब लास्ट लॉटरी के बारे में देखने जा रहे हैं। किसके बारे में? ये हटा सकते हैं, हटा दें। लॉटरी का प्रमोशन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, जो भी हो, लॉटरी दो तरह की होती है। एक तो वो लॉटरी होती है जिसकी गारंटेड वैल्यू 80% से अधिक हो, एक वो लॉटरी जिसकी गारंटेड वैल्यू 80% से कम हो, बांटा गया है सर्विस टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एक वो लॉटरी जिसकी गारंटेड वैल्यू 80% से अधिक हो, और एक ऐसी लॉटरी जिसकी गारंटेड वैल्यू 80% से कम हो। अगर 80% से ज्यादा की गारंटेड वैल्यू, इसका मतलब अगर लॉटरी खरीदोगे 10 लाख रुपए की, तो 8 लाख रुपए से ज्यादा का तो पैसा इनाम मिलेगा ही मिलेगा तुमको। इसका मतलब सर्विस की वैल्यू ज्यादा है कि कम है? कम है। और अगर 80% से कम की गारंटेड वैल्यू है, इसका मतलब सर्विस की वैल्यू ज्यादा हो गई, क्योंकि 80% से ज्यादा का पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा, तो सर्विस कम हो गई। और 80% से कम तक की गारंटी है, इसका मतलब सर्विस की वैल्यू ज्यादा है। हाँ या ना? तो कहा गया इफ, ढंग से सुनना, गारंटेड वैल्यू इज हायर देन 80%, इफ गारंटेड वैल्यू is lower than 80%, बोलना। ₹8,200 on every ₹10 lakhs, ओके, और पार्ट देयर ऑफ। सुन लो, अगर मैंने आपको 17 लाख की लॉटरी बेची है और उनकी गारंटेड वैल्यू 80% से ज्यादा है, तो 16,400 इज द रेट अमाउंट ऑफ टैक्स, 8,200 पहले 10 लाख पे और दूसरे 8 लाख पर पे भी 8,200। प्रपोर्शन मत कर देना, 16,400, इज इट क्लियर? अरे बोलना। अगर मैंने तुम्हें 16 लाख की लॉटरी बेची है और उसकी गारंटेड वैल्यू 80% से अधिक है, तो पहले 10 लाख पर 8,200 का टैक्स दे दो, बाकी 6 लाख पर भी 8,200 का ही टैक्स दे दो। 11 लाख की होगी तो भी पहले 10 लाख पर 8,200 दे दो, बाकी 1 लाख पर भी 8,200 दे दो, अगर गारंटेड वैल्यू 80% से अधिक है। अगर गारंटेड वैल्यू 80% से कम है, तो सर्विस की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, तो 12,800 होगा शायद, 12,800। समझ में आई बात? हमने आपको लॉटरी बेची, सुन लो, 38 लाख की, जिसमें से 17 लाख की लॉटरी 80% से कम है और 21 लाख की लॉटरी 80% से ज्यादा है। दोनों अलग अलग कैलकुलेट करना, समझ में आई बात? दोनों जोड़ मत देना, दोनों को अलग अलग कर लेना। समझ में आया?
हमें नहीं लगता यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत आई होगी, नोट कर लो। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मिस्टर मन एम जो है एक मनी चेंजर है, ही इज़ फाइंडिंग डिफिकल्ट टू चार्ज सर्विस टैक्स एज एट द रेट ऑफ 15% ऑन द वैल्यू ऑफ द सर्विस बिकॉज ही इज़ अनेबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सर्विस और द कैलकुलेशन ऑफ सर्विस अमाउंट, सर्विस टैक्स अमाउंट। नाउ टेल मी वेदर ही हैज़ एनी अदर ऑप्शन टू मेक द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स, इफ़ यस देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स इफ ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ 8,50,000। अब बताओ उस पर टैक्स कितना लगेगा।
हो गया, 2-3 दिन लगेगा क्या? इधर देखो, पहला 1 लाख कहाँ चला जाएगा, 140 रुपये में, फिर बाकी सब इसी में ही आ जाएगा 7.5 लाख, तो 7,50,000 का 0.07% कितना होता है, 525, तो टोटल कितना आ जाएगा? दिस इज योर आंसर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? चले आगे, प्रैक्टिस मैनुअल का एक क्वेश्चन है। एक हॉस्पिटल है वेल बीइंग, उसने आपको जून 2016 के बारे में कुछ डिटेल्स दी हैं। क्या डिटेल्स हैं जरा उसकी बात कर लेते हैं। पहला, सर्विसेज बाय कॉर्ड ब्लड बैंक, याद आया कुछ? 24 लाख रुपए का। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस, सबसे ज्यादा कमाई 100 लाख रुपए का। नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, अगर कुछ ना लिखा होता तो भी हम मान लेते रिकॉग्नाइज है, क्योंकि हमने तुम लोग को आयुर्वेदा, सिद्धा, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, योगा बताया था ना। अच्छा, नहीं लिखा है तो मान लेंगे कि ये रिकॉग्नाइज है, अदरवाइज क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज है, नहीं लिखा होता तो भी हम मान लेते। प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी मैंने क्या बताया था? ऑफ अ चाइल्ड अफेक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट, बताओ टैक्स लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा, केवल उन चीजों पर नहीं लगा जो आप शौकिया करवाते हैं, लेकिन यहां बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है तो बिना प्लास्टिक सर्जरी के वो ट्रीटमेंट, यानी जस्ट लाइक एन ऑपरेशन, इट इज लाइक अ ऑपरेशन, 30 लाख का, तो ये माफ है। प्रैनिक हीलिंग ट्रीटमेंट, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, जो ट्रीटमेंट है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, 120 लैक्स का। और मॉर्चुरी सर्विसेज 10 लैक्स। हमें बताओ वैल्यू ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल एंड टैक्स, हमने बता दिया है, कैलकुलेट करके बताओ। कितना आया? नहीं टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। टोटल कितनी वैल्यू आ गई? 100 एंड 120, कितना हो गया? टैक्स निकालना है तो 15% ऑफ, हाँ बोलो, 33 नोट कर लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक क्वेश्चन और देते हैं।
खत्म है सर्विस टैक्स आपका। चलें, डी एंड कंपनी प्रोवाइडिंग टैक्सेबल सर्विसेज, ईयर 13-14, ईयर 14-15 एंड 15-16। ₹12,08,75,000। ईयर 16-17 13 lakhs। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सर्विस टैक्स फॉर प्रीवियस ईयर 16,17। हाँ बोलो भाई, बात न करो। सॉल्यूशन, टोटल वैल्यू ऑफ सर्विस कितना है? 13 लाख। क्या उसको एसएसपी का बेनिफिट मिलेगा, स्मॉल स्केल सर्विस प्रोवाइडर? मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, गलत जवाब। मिलेगा, स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर एग्जेम्पशंस 10 लाख। पूछ क्यों? क्योंकि पिछले साल 10 लाख से कम था। कहाँ था? यहां था। इस साल उसके ऊपर पूरे पर टैक्स लगा होगा 12 लाख पे, मान लेते हैं, क्योंकि इसके पहले की डिटेल नहीं दी है। इस साल के 8,75,000 पर टैक्स लग गया होगा। हाँ, पूरे 8,75,000 पर टैक्स लग गया होगा। क्या बात कर रहे हो, सपना थोड़ी आता है कि इस साल कितना बिजनेस जाएगा। हम 1 अप्रैल को अगर 100 रुपए का बिल बनाए होंगे तो ये मानते हुए बनाए होंगे कि इस साल पिछले साल से अधिक सेल होगी, यहाँ सर्विसेज ज्यादा जाएंगी, तो हम पहले रुपए से ही हम सर्विस टैक्स चार्ज करते। तो पूरे 8,75,000 पर पिछले साल टैक्स गया होगा। इस साल पता चल गया कि पिछले साल गड़बड़ हुआ था, लोचा हो गया था, चल एक काम करते हैं, इस साल टैक्स नहीं लगाते, एसएसपी का बेनिफिट ले लेते हैं, 10 लाख तक का एसएसपी का बेनिफिट मिलेगा। ओ, ये क्या कर डाला, 10 लाख से अधिक हो गया, 3 लाख पर टैक्स लगेगा। अब बात समझ में आई? और अगले साल फिर से भले ही 2 लाख रुपए की सर्विस गई हो, पूरे पर टैक्स लगेगा। तो वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्सेबल, टैक्स रेट कितना है, कितना हुआ? इतनी जल्दी कैलकुलेट
परमानेंट स्टाफ एंड टेम्पोरेरी स्टाफ। फाइव लैख एंड थ्री लैख, बोलो अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम क्लाइंट फॉर प्री रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग दो लाख पचास हजार, डोमेस्टिक हेल्प फॉर फ्रेंड्स एक्सेट्रा, रिलेटिव्स हो गए फ्रेंड्स हो गए, एट फ्री वर्थ रुपीज 45,000, लेकिन कोई पैसा कलेक्ट नहीं किया। अमाउंट फ्रॉम वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर लेबर प्रोवाइड लोडिंग एंड अनलोडिंग, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को लोडिंग अनलोडिंग के लिए लेबर प्रोवाइड करवाई और वहां से पैसा हमको मिला 175। एडवांस फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट फॉर कैंपस इंटरव्यू फॉर कंडक्टिंग दो लाख। हाँ बस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस। करो क्या 5 लाख पर टैक्स लगेगा, क्या 3 लाख पर, क्या 2.5 लाख पे, एडवांस मिला है तो उससे क्या ले, अरे प्री रिक्रूटमेंट है तो उससे क्या ले रहा है तेरा, एडवांस मिलता है तो उस पर, फ्री पर, ये बताओ।
अगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पर है, सुन लो सुन लो सुन लो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड एक्टिविटीज मैंने सारी माफ करवाई थी सारी, सुन लो सुन लो। इसका काम है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का लोडिंग और अनलोडिंग, इसका काम है, क्या मेरा काम है? मैं तो तुम्हें लेबर दे रहा हूं ना, अगर तुम उस लेबर से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड काम कराओगे तो माफ है, अगर तुम उस लेबर से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का काम कराओगे तो टैक्सेबल है। क्या मैंने कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में कोई काम किया? ना, ये तो मेरा प्योर बिजनेस है, मेरे ऊपर तो टैक्स लगेगा क्योंकि मैंने उन लेबर का यूज एग्रीकल्चरल में कहाँ किया? अरे बोलो, मैंने लेबर लिया तुमको दे दिया, तुम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज करो, तुम्हारे ऊपर माफ है, लेकिन मेरे लिए तो टैक्सेबल है क्योंकि मैंने उनका यूज कहाँ किया? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में थोड़ी किया, मेरा तो काम है लेबर को सप्लाई करना, ना तो मैंने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए कोई काम किया ना तो वेयरहाउसिंग के लिए कोई काम किया। अब समझ में आई? मेरा काम क्या है वो इंपॉर्टेंट है, वो लोग क्या काम करेंगे वो उनका काम है, वो टैक्सेबल है माफ है, वो बात की बात है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहाँ माफ है? अब समझ में आई? क्लियर है? तो ये एग्रीकल्चरल केवल ऐसे देख लेने से माफ नहीं होगा, कंफ्यूजन ना होना, तुम कौन हो जरा ये देख लो, तुम्हारा काम है लेबर को सप्लाई करना, तुम्हारा काम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होता तो माफ हो जाता। अब बात समझ में आई? क्लियर है? तो टैक्स लग जाएगा। चलो सॉल्यूशन, ऊपर हेडिंग वगैरह लिख लोगे तुम लोग, मैं वो सब नहीं लिखने जा रहा। परमानेंट स्टाफ 5 लाख, टेम्पोरेरी स्टाफ 3 लाख, प्री रिक्रूटमेंट स्क्रीनिंग 2,50,000 एंड लेबर सप्लाई टू वेयर हाउस, एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, हमको इससे कोई लेना देना है? नहीं। 1,75,000। अब वो जो एग्रीकल्चरल वेयर हाउस उनका यूज करेगा लोडिंग अनलोडिंग में, उसकी वो सर्विसेज माफ होंगी। चलो, एडवांस रिसीव्ड 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 14 लाख, 14 लाख। अब इतना टोटल चार्ज किया, जाहिर सी बात है वैल्यू ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स मान ले, हाँ या ना, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग, तुम लोग जो मानो लिख देना, इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा? 14,25,000 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 15, बताओ। 18 यार है, दैट्स इट, पक्का? मेरे हिसाब से अब इस चैप्टर में तुम लोग को डाउट्स नहीं होंगे, डाउट की तो भरमार होगी इसमें, डाउट ही डाउट होगा। अब घर पे जाकर पहले चैप्टर से उठाओ, पट 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 करके पलटते चले जाओ, अपने आप समझ में आएगा। जहाँ 2-3 बार किताब को तुम लोगों ने पलटना शुरू किया, अपने आप चीज़ें एक सीक्वेंस में बैठनी शुरू हो जाएंगी। थैंक यू बच्चों।